नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत बढ़ती हुई समस्या मोटापा जो महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही इतना विस्तार लेती जा रही है कि उसके साथ कितनी ही बीमारियां हमें गिफ्ट के तौर पे हम अपने लिए खुद ही पाते जा रहे हैं और जिससे बचने का कोई तरीका आज की डेट में लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। तो बहुत लोग समझते हैं कि मोटापा हेरिडिटी समस्या है, कि परिवार में अगर पिता मोटे हैं या माता मोटे हैं तो बच्चों में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो हमें लगता है कि अगर वो मोटे हैं तो बच्चे मोटे हो गए तो वो पतले नहीं हो सकते हैं। तो बेसिकली जो है आयुर्वेद के हिसाब से हम थोड़ा सा इसके बारे में अगर बात करें तो मोटापे में जो मेद बढ़ता है, मेद हमारे शरीर की 7 धातुओं में से एक धातु में हम उसको गिनते हैं। शरीर में जब मेद का नॉर्मल रेशियो 1 रहता है तो वो शरीर को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। जो शरीर में चर्बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती है तो वहाँ मोटापे की समस्या नहीं आती है, लेकिन जब वही मेद का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाता है तो वो शरीर को में फैट की रेशियो जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं रहती और शरीर कहीं कहीं से मोटा नज़र आने लगता है। जैसे कि किसी को डबल चिन नज़र आती है या पेट बढ़ जाना, तब हम इसको मोटापे की कैटेगरी में लेना शुरू करते हैं। तो मोटापे के कारण थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो बीमारियाँ तो बहुत सारी इसके साथ आ ही रही हैं, लेकिन हमारा रहन सहन, हमारी दिनचर्या इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज ये समस्या बहुत फैलती जा रही है, जिसको कंट्रोल करने का कोई तरीका लोगों को मालूम है लेकिन पता नहीं वो करना नहीं चाहते या क्या बात है। तो इसके लिए हम कुछ आसान तरीका आपको बताने की आज कोशिश करते हैं कि उसके साथ ही हो सकता है मोटापे की आपकी समस्या से आप निजात पाएंगे। लेकिन फिर भी बात वही जो मैं पहले भी कहा है कि जब तक हम कारण दूर नहीं करेंगे मोटापा नहीं जाएगा। तो मोटापे को दूर करने के लिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अपना आलस्य त्याग देना चाहिए। अगर वो आलसीपन नहीं हम छोड़ेंगे तो फिर नुस्खा कोई भी इस्तेमाल करें वो काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए कृपया करके आलस्य को त्यागें, अपनी दिनचर्या रूटीन अपना ठीक करने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठने की आदत सभी को डालनी चाहिए। योगा के बारे में लोगों को बहुत पता है इसलिए हम उसमें विस्तार से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत आसान नुस्खा जो सभी लोग अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ बहुत श्योरली और बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि वज़न भी कम होगा ही। तो आप इसको नोट करें नुस्खा, ये थोड़ा सा बनाने में भी ईजी है। सबसे पहले इसके लिए हमें अलसी के बीज चाहिए 25 ग्राम, जीरा 50 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, बड़ी हरड़ जिसका समझिए 5 ग्राम के करीब, और कड़ी पत्ता 15 से 20 ग्राम के करीब हमें चाहिए। इसमें अलसी के बीज, जीरा और सौंफ, इन तीनों चीज़ों को हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, हल्के से हल्का भूनना है, हमें इसको काला नहीं करना है, सिर्फ ब्राउन कलर आए इतना हम इसको भून लें। और जो कड़ी पत्ते के बीज हैं, पत्ते जो है उनको सुखा लीजिए, सुखा के उनका पाउडर बना लीजिए और रोस्ट किए हुए ये जीरा, अलसी और सौंफ है जो, इनका भी आप पाउडर बना लीजिए। हरड़ को भी पीस लीजिए और उसका करीब 1 चम्मच पाउडर इस सभी पाउडर के बीच में ऐड कर लीजिए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप किसी भी कांच के कंटेनर में डाल के रखें। प्लास्टिक का कंटेनर अवॉइड करेंगे, कांच के कंटेनर में डाल के रखिए और ये चूर्ण जो है आपको रात को सोते हुए 1 चम्मच रात को गर्म दूध के साथ में इसको इस्तेमाल करें और आप इसको देखेंगे, आप इसको अगर 1 महीना लगातार से इस्तेमाल करेंगे तो आपके वज़न में बिल्कुल पक्के से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन थोड़ा परहेज़ का भी ध्यान रखें कि आपको ख़ास तौर से मीठा अवॉइड इसमें करना है, आलू चावल का ज़रूर परहेज़ करें, मिठाइयाँ जितना उनसे दूर रहेंगे अच्छा रहेगा, और थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करें, ख़ास तौर से प्राणायाम की कुछ क्रियाएँ जो इसमें बहुत काम करती हैं वो करें, तो आपका वज़न ज़रूर कम हो जाएगा। थैंक यू।